आर्द्रता, उससे इनसे। कड़ाके की सर्दी के बीच उत्तराखंड के मैदानी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। हरिद्वार में इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। मौसम और तापमान के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने वाले ऑब्जर्वेटरी सेंटर में 28 दिसंबर का न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये अभी तक का सबसे कम तापमान है। IMG पुणे के बहादुराबाद स्थित ऑब्जर्वेटरी सेंटर में डाटा का रिकॉर्ड रखने वाले कर्मचारी भी मान रहे हैं कि पिछले कई सालों में हरिद्वार में इतना कम टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्योंकि 28 से पहले 1 डिग्री टेम्परेचर रहा और 28 तारीख को ही अभी आपने देखा -0.6 रहा है, तो ठंडा तो है ही बहुत ज्यादा। न्यूनतम माइनस में कभी कभी 4 साल 5 साल में ऐसा अक्सर देखा गया है। आमतौर पर नहीं। अभी की इस बार की सर्दी को हम कह सकते हैं कुछ रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है। और ये सिर्फ 2-3 दिन में ही, 26-27-28 तीन दिन में ही ये इतनी सर्दी। तापमान में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आने से यहाँ फाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। सर्दी के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें भी अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि हरिद्वार में पिछले कई सालों में ऐसी ठंड नहीं देखी गई। ठंड कम होने पर ही जनजीवन सामान्य हो सकेगा। फिलहाल तो भयंकर ठंड है, अभी 21 तारीख से ठंड चालू हो गई है और ठंड का प्रकोप आगे बढ़ना ही है। इस तरीके परेशानी हो रही है भाई जी, अलाव नहीं है जलाने के लिए। कम से कम रोड के किनारे कहीं ना कहीं गरीब आदमी बैठ जाता है अलाव को देखते हुए, और अलाव के प्रति जो है आदमी थोड़ा सहारा मिल जाता है। मौसम रहता था, मतलब इस बार ज्यादा ठंड हो रही है। अब बचना तो है ना, ठंड से तो बचना ही है, क्या करें बताओ। यही सारा उतना गरीब आदमी का, उसे तो हम जलाते भी ना, इतनी इनकम है कि इतने बिल भर सके। गरीब लोग हैं भाई, आग जला के गुजारा कर लेते हैं भाई, जैसे ठंड भगानी है, काम भी करना जरूरी है। बारिश के सीजन में सामान्य से कम वर्षा होना भी शुष्क ठंड का कारण बताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा और ऐसे में लोग जल्द से जल्द मौसम सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।